वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ शुगर फ्री नेचुरल डाइट शुगर से बनी हुई एक रेसिपी। जी हाँ, बिना चीनी के भी मिठास कैसे आ सकती है वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। और ये जो है मेरे पास में, इसमें कोल्ड कॉफ़ी अगर ठंडी ठंडी मिल जाए तो कितना मज़ा आता है। अब देखिए, क्योंकि ये सुक्रलोज जो चीनी से ही बनता है उससे बनती है, तो इसलिए मिठास जो है वो चीनी जैसी होती है। तो अब कैसे इसका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं बढ़िया कोल्ड कॉफ़ी, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब देखिए भाई, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको चीनी जो है उसकी कई बार तो मनाही भी होती है, और नहीं तो कैलोरी से डर भी लगता है कि ज़्यादा कैलोरी होंगी तो उससे मोटापा बढ़ जाएगा। खैर, उसकी जो आपने जितना डर है वो तो मैं काफ़ी कम कर रहा हूँ। खैर, बाकी एक्सरसाइज करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास में है कॉफ़ी, और कॉफ़ी का डिकॉक्शन, नहीं तो आप इंस्टेंट कॉफ़ी से भी इसको बना सकते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी को पानी में घोलकर, थोड़ा गर्म पानी के अंदर घोल के वो इसके अंदर लें, और फिर ये देखिए, ये मेरे पास शुगर फ्री नेचुरा डाइट शुगर सुक्रलोज से बनी हुई। और ये जिस तरह से आप नॉर्मल चीनी डालते हैं, जितने चम्मच आप वो डालते हैं उसी हिसाब से डालें, क्योंकि इसके नाप में कोई फ़र्क नहीं होता है। यानी अगर आप कोई भी चीज़ के अंदर आप इसको अगर 4 चम्मच डालते हैं चीनी को, तो इसको भी 4 चम्मच ही डालें। और एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर ये तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रहा हूँ, ये जो शुगर फ्री नेचुरा है, क्योंकि सुक्रलोज से बनती है, इसको कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ले लिया हमने, इसके साथ साथ इसमें दूध, चलिए, और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। बस इसको मिक्सी में मिक्स करना है, और फिर उसके बाद अच्छा रंग अच्छा, लेकिन अब क्या करना है इसको, मुझे थोड़ा आइस, और चलिए एक काम करते हैं। अब देखिए, क्योंकि इसमें से जो चीनी की जो कैलोरीज हैं वो हमने बचा ली हैं, शुगर फ्री नेचुरा जो सुक्रलोज से बना हुआ है डाइट शुगर वो डालकर, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी, अगर आप आइसक्रीम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इसके बिना भी इसको बना सकते हैं। ये आइस डाली, थोड़ी सी आइसक्रीम, और इसको ले लिया, ये ले लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कई बार ये देखा होगा कि बड़ी बॉटल है और छोटी बॉटल है, दोनों में क्या फ़र्क, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ज़रा ग्लास, मैंने काफ़ी बड़ा वाला लिया है, उसको चिल किया है। भाई देखिए, ये जो है ये चीनी के हिसाब से, जितनी चीनी आपने इस्तेमाल करनी होती है उस हिसाब से इसको डालना है, और ये जो है ये कॉन्सेंट्रेट है, और इसमें ये जो छोटी वाली बॉटल जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेट, उसमें ये चम्मच रहता है, तो इसके हिसाब से आपको ये डालना होता है। और कभी भी आप कोई बॉटल इस तरह से देखें तो इंस्ट्रक्शंस भी उस पर रहती हैं, तो आप जो है वो कंफ्यूज ना हो कि कितना डालना है। बस ये याद रखें, छोटी वाली जो है कॉन्सेंट्रेट होती है तो इसकी मात्रा कम डलती है, ये जितनी चीनी है उसके हिसाब से ही। तो अब ये हमने ले लिया, इसमें एक काम करते हैं, ये जो ग्लास है हमारे पास, इस पे ये मैंने थोड़ी सी चॉकलेट जो है ये मेल्ट की हुई है, तो ये बस जरा सा, सिर्फ थोड़ा सा इसको हमने पेंट किया है ग्लास को, और फिर ये ठंडी ठंडी बिना चीनी वाली कोल्ड कॉफ़ी, लुक एट दिस। लेकिन भाई देखिए, जब तक इसको पियेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये
ठीक है या नहीं है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया स्वाद, कॉफी का स्वाद तो अच्छा है ही है, और इसमें पता भी नहीं चल रहा कि चीनी डली नहीं है, कोई मिठास तो डाली है, टेस्ट भी मीठा भी। कोल्ड कॉफी बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 कप कॉफी डिकॉक्शन, 6 बड़े चम्मच शुगर फ्री नेचुरल डाइट शुगर, 2 से 3 कप दूध, बर्फ आवश्यकता अनुसार, 2 से 3 स्कूप वेनिला आइसक्रीम, 4 बड़े चम्मच पिघला हुआ चॉकलेट। कोल्ड कॉफी बनाने के लिए 4 ग्लास को रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने को रखें। कॉफी डिकॉक्शन, शुगर फ्री और दूध को एक ब्लेंडर जार में डालें और अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। बर्फ और आइसक्रीम डालकर फिर से ब्लेंड करें। ग्लासों को रेफ्रिजरेटर से निकालें। हर ग्लास को 1 बड़े चम्मच पिघले हुए चॉकलेट के सहारे अंदर से कोट कर लें। फिर उनमें कोल्ड कॉफी डालें और ठंडा ठंडा परोसे। यदि आज आपने हमारी कोई रेसिपी मिस की है तो आपको चुनी रेसिपी मिल सकती है गृहलक्ष्मी मैगजीन के अंदर। हमारी वेबसाइट है foodfood.com और वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ facebook.com/foodfood वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल सकती हैं। भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसका तुरंत इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जितना फ़ायदा है अभी का अभी उठाओ, क्योंकि जैसे ही फिल्म रिलीज हो उसी समय देखने में मज़ा है, बाद में तो सब लोग देखते हैं। नई रेसिपी है, अभी बनाइए। नमस्कार।